सज्जनी तैनू गिला होना है कि तैनू मेरा प्यार नहीं मिलिया, तेरिया रेशमी जिहियां बाहां दा मेरे गल नू हार नहीं मिलिया। चलिए तैनू प्यार दी पई है, मैनू हले तक रुजगार नहीं मिलिया, मैनू हले तक रुजगार नहीं मिलिया। तो अपनी अपनी सज्जनी और अपने अपने साजन को छोड़ के रोजगार की तरफ हो जाओ, एक मौका मिला है उसमें जान लगा कर देख लो, अपना जहान लगा कर देख लो, क्योंकि कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने सभी को तो रखना नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट इज कंटेंट एंड सेकंड इज ट्रिक्स और टिप्स और रूल्स और स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब तक आप जो भी रीड करते रहे हो, सोर्सेस को ऑब्जर्व करते रहे हो, बुक्स पढ़ते रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे हो, वो सारी आपकी अब तक की नॉलेज है रिगार्डिंग द कंटेंट जो आपने पटवारी के एग्जाम के लिए तैयार की है। सेकंड आपका लॉजिक एप्लीकेशन है इन रिलेशन टू नॉलेज कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी है। ये दोनों मिल के आपके कंटेंट एरिया को रिच करते हैं और ये सभी स्टूडेंट्स की वेरी करती है। सेकंड है कि ट्रिक्स, टिप्स, रूल्स, स्ट्रेटजीज, कोई भी नाम इसको दे लो, कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज की नॉलेज है और क्या आपको उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेट नॉलेज है। और लास्ट, अगर नॉलेज है और ए नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज की नॉलेज है तो क्या आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक, अपनी एबिलिटीज, लॉजिक और प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक उन स्ट्रेटजीज को ठीक ढंग से अप्लाई कर पाए। अगर ये चारों कंटेंट आपके नॉलेज कंटेंट, लॉजिक और रीजनिंग और नॉलेज ऑफ स्ट्रेटजीज और रूल्स रिगार्डिंग एमसीक्यू एंड देयर एप्लीकेशन, ये सब आपको पता है तो आपको पटवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर कुछ सब कुछ आपको 100% पता है तो कोई आके दो स्ट्रेटजीज और बता देता है तो दो स्ट्रेटजीज जिसको और पता चल गई है उसके एक्सेल आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरिट बेस्ड टेस्ट में और नॉलेज और स्ट्रेटजीज और एप्लीकेशन की हर हालत में हर दिन हर पल जरूरी है। नॉलेज आप अब तक गेन कर चुके हो, रीजनिंग की एक्सरसाइज आप कर चुके हो और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पटवारी के एग्जाम में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज की नॉलेज मैं दूंगा। मेरे पास कम से कम 20 से ज्यादा स्ट्रेटजीज हैं जो एक सीरीज में आपसे डिस्कस करूंगा आपके एग्जाम से पहले, और साथ साथ में उसकी आपकी सिचुएशन के मुताबिक एप्लीकेशन भी बताऊंगा। इमीडिएट आपको ये पता होना चाहिए, इमीडिएट आपको स्ट्रेटजी की एप्लीकेशन, उसकी विजुअलाइजेशन करनी है, एग्जाम से पहले मन में बिठाना है, वो सारा कुछ अब आपको इमीडिएट चाहिए। कंटेंट नॉलेज की जो बात की थी, ये कंटेंट ये है जो 7 एरियाज ऑफ नॉलेज जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हो, याद रहे प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आप 7 के 7 एरिया में इक्वली एबल नहीं हो, इक्वल नॉलेज नहीं है, इक्वली कॉम्पिटेंट नहीं हो, किसी में आप वीक हो और किसी में आप स्ट्रांग हो, उसको सामने रखते हुए हम सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहला रूल, सबसे पहली स्ट्रेटजीज, ट्रिक और टिप है रीच टू एंड बिफोर सफिशिएंट टाइम। ये रूल सबके लिए है, बेशक आपने अच्छी तैयारी नहीं की, बेशक आपने तैयारी की ही नहीं, बेशक आपने फुल तैयारी की है, दैट इज व्हाई दिस इज मोस्ट एसेंशियल रूल। जिसने ये रूल फॉलो नहीं किया वो आप देख सकते हो ट्रैक से बाहर हो जाएगा। इस पहले रूल का मतलब है कि आपने ये OMR शीट देख रहे हो, फॉर एग्जांपल इस पर 120 आंसर्स आपने मार्क करने हैं, तो आपने सफिशिएंट टाइम मीन 10-15 मिनट पहले यहां लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना ही पहुंचना, एंड में कैसे पहुंचना है, लास्ट तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए दो मेथड्स हैं, जैसे 3-phase method और 2-phase method। ये दोनों मेथड
मैटर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप अपनी इंडिविजुअल नीड के मुताबिक कोई भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं, और मैं ये बताऊंगा कौन सा बेटर है। थ्री फेज मेथड में तीन तरह के क्वेश्चन आपके सामने हैं, इजी, डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट। हम जो डिफिकल्ट हैं उसको मॉडरेट डिफिकल्ट या मिडल डिफिकल्ट भी कह सकते हैं। तो थ्री फेज में आपको क्या करना होगा कि अगर आपके पास टोटल 120 मिनट हैं और 120 क्वेश्चन हैं, तो आप पहले 50 मिनट में एंड तक पहुंचोगे, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। वो कैसे होगा? जो आपको इजीली क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं कर रहे। इजी क्वेश्चन का कैसे आपको पता चलेगा? आपके लिए इजी कोई और हो सकता है, दूसरे के लिए कोई और। आपने ये देखना है, ये ग्राफ मैंने ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करके बनाया है कि एक पेपर बच्चों को, स्टूडेंट्स को दिया था, उन्होंने सॉल्व किया है, और सॉल्व करने पर मैंने दो चीजें रिकॉर्ड की है। एक तो ये कि हर क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कितने सेकंड्स उसने लिए, और सेकंड क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए, फोर्थ के लिए, हर क्वेश्चन के जितने, ये जितना लंबा बार लाइन है उतना ज्यादा सेकंड, उतने ज्यादा टाइम उस स्टूडेंट्स ने, जितना ज्यादा टाइम लिया है इट मींस उतना ही वो डिफिकल्ट उसके लिए क्वेश्चन है। और दूसरी तरफ ये छोटी छोटी लाइनें जो आप देख रहे हो, जो सबसे कम समय लेकर उन्होंने सॉल्व कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 20 सेकंड के करीब, ये जो छोटी छोटी लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें इजी क्वेश्चंस को इंडिकेट करती हैं। अब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हो, तो जो भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट रीडिंग में क्लियर हो जाता है, 90% से ज्यादा एक्यूरेसी आपको दिखाई देती है, आप उसको क्लिक करके, टिक करके, मार्क करके, OMR शीट पर फिल करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर इमीडिएट चले जाओ। तो फर्स्ट मेथड में क्या है कि आप यहां से लेकर यहां तक लास्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां 120 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पर यहां पर आप 50 मिनट में पहुंच जाओगे, पहले रूल, पहले मेथड के मुताबिक। ये फर्स्ट फेज होगी। इसी मेथड की सेकंड फेज है कि आप फिर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हो जो अटेम्प्ट नहीं किए, अब आप ये मिडल वाले, यहां तक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ये वाले, तो इनको सॉल्व कर रहे हो, इनको भी आप 50 से 55 मिनट दे सकते हो। और थर्ड फेज में ये जो वेरी डिफिकल्ट हैं, 10-12 मिनट इनको आप दे सकते हो, और जो लास्ट 3-4-5 मिनट बच रहे हैं, उनमें आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, 0 मार्क अगर फिफ्थ रिस्पांस के लिए जगह दी गई है नॉट अटेम्प्ट की, कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, उसको मार्क करने के लिए आपने रखने हैं। हर हालत में अगर वो ऑप्शन होती है तो आपने मार्क करना है, अदरवाइज आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये था थ्री फेज मेथड के, आपने इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट को कैसे टाइम तीन हिस्सों में देना। सेकंड हमारा वेज है, जहां अप्रोच है टू वे टू फेज मेथड। इसमें क्या है कि जो इजी और डिफिकल्ट है उन सभी पर फोकस करके आपको 110 मिनट में, यानी 10 मिनट पहले तक आपको लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना। फॉर एग्जांपल अब आप यहां से शुरू करके यहां से इतने एरिया को कवर करते हुए जाते हुए लास्ट तक पहुंचोगे, आपको दूसरी बार रिविजिट करने की जरूरत लगभग नहीं पड़े। इस 10 मिनट में अगर आपको इन क्वेश्चन में से कोई मोस्ट डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उनमें से लगता है कि आपकी अप्रोच में है, कोई दो ऑप्शन है उनमें से आप एक चूज कर सकते हो, तो 2-3-4 मिनट उस पर लगा सकते हो, लेकिन लास्ट 5 मिनट आप बचा के रखोगे कि नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए अगर फिफ्थ ऑप्शन होती है तो वो टिक करोगे। अच्छा, ये मोस्ट एसेंशियल या फर्स्ट रूल क्यों है? क्योंकि जो स्टूडेंट लास्ट एरिया तक पहुंच ही नहीं पाता, उसका टाइम ओवर हो जाता है, यहां तक पहुंचा,
ये टाइम ओवर हो गया, उसके ये 5, 7, 8, 10 जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनमें से कुछ इजी क्वेश्चन थे जो वो 10, 20, 15, 25 सेकंड लगाकर कर सकता था, और ये रूल ना अप्लाई करने की वजह से वो अपने 8-10% मार्क्स गवा लेता है और वो सीधा कंपटीशन से बाहर हो जाता है अगर उसकी प्रेपरेशन एवरेज या लो है। इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टूडेंट ने 120 में से 110 या 100 का ही पेपर अटेम्प्ट किया है, बाकी का तो किया ही नहीं, तो वो कंपटीशन में आ ही नहीं सकता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऑब्स्टेकल रेस की तरह अरेंज किए होते हैं, जैसे इस सीन में आप देख रहे हो कि जो रनर है उसको ये ऑब्स्टेकल पार करके ही जाना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए ये रूल रिजिड नहीं है। जैसे आप इसके नीचे से गुजर के इसको छोड़ के निकल सकते हो, मीन आप ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, बड़े बड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हैं जो आपका टाइम ज्यादा ले रहे हैं उनको आप पार मत कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। अच्छा, क्या क्या कारण है जिसके कारण हम एंड वाले क्वेश्चन तक नहीं पहुंचते? 20% से ज्यादा स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर कंज्यूम करते हैं। अच्छा, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल के कोई क्वेश्चन के साथ पंगा ले लिया, मैं तो तुझे सॉल्व करके ही छोड़ूंगा, जिद कर लेते हो, अपनी ईगो से जोड़ लेते हो, यार ये तो आसान था, ये तो मेरा एरिया था नॉलेज का, ये नहीं मैं सॉल्व, मैं कर सकता हूँ। आप उस वक्त बड़ी गलती कर रहे हो, उस वक्त उसको छोड़ के जाने में आपका आपकी भलाई। हाँ, फटीक फैक्टर भी एक होता है कई स्टूडेंट्स का, उसको भी मैनेज नहीं कर पाते। इन डिफिकल्टीज से कैसे बचना है ये नेक्स्ट पार्ट्स में आपसे ये डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये भी सब पर अप्लाई होता है कि ये 7 एरियाज जो पटवारी एग्जाम पंजाब 21 के लिए हो रहे हैं, तो एक स्टूडेंट जो 7 के 7 में एक्सपर्ट नहीं है कि स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती 7 के 7 में, तो हो सकता है कि वो एक एरिया में, फॉर एग्जाम्पल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में एक पर्सन वीक हो और उसकी लैंग्वेज पंजाबी में वो बहुत स्ट्रांग हो, अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एवरेज हो, एग्रीकल्चर में उसकी नॉलेज ज़्यादा हो, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर में ज़्यादा हो। तो अगर उसका डिफ़िकल्ट एरिया ये था मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, तो वो उसको पकड़ के बैठ गया है, तो उसने बाकी डोमेन्स में एरिया ऑफ नॉलेज में अपना नुकसान कर लेना। अच्छा, इस रूल का ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने डिफिकल्ट एरिया को टच नहीं करोगे। इस रूल का ये मतलब है कि आपने 10-15 मिनट पहले एंड वाले क्वेश्चन तक पहुंचना है, आपने हर क्वेश्चन को ट्राई आउट करना है। जो क्वेश्चन आपको लगता है 20-25 सेकंड बाद कि ये मेरी एरिया से बाहर है, ये डिफिकल्ट ज्यादा है, उसको छोड़ने का डिसीजन आपने जल्दी ले लेना है। इसका एक फायदा आपको ये होगा कि जब आप एक क्वेश्चन को रीड करके नेक्स्ट पर जाते, तो आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की फोर्स काम कर रही है। हो सकता है कि जब तक आप 120वें क्वेश्चन तक पहुंचते हो, तो आपको पहले वाले जो आप ट्राई आउट कर रहे की करके आए हो, उनके आंसर्स कुछ परसेंट मिलने लगे। दूसरा इसका फायदा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हुए या उनको रीड करते हुए आपको पहले किसी क्वेश्चन का हिंट क्लू मिल जाता है। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हो, तो अब क्लू मिला है तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप वो डिफिकल्ट मॉडरेट डिफिकल्ट वाले छोड़ के आए थे या वेरी डिफिकल्ट वाले छोड़ के आए थे कुछ एक क्वेश्चन, तो अब आपके पास टाइम है कि आप उसका करेक्ट आंसर, एक आध क्लू मिलता है ज्यादा नहीं, उसका आंसर फिर आप दे सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा कि कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपने किस तरह से डील करना है, सॉल्व करना है। बेशक आपकी प्रेपरेशन एवरेज है या कम है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती है।
नेक्स्ट पार्ट एक घंटे बाद भी आ सकता है, चार घंटे बाद भी, एक दिन में दो तीन पार्ट्स भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग करते हो, उस पर आप कुछ मेरे से डिमांड करते हो कि सर ये चाहिए, इस डाउट को क्लियर कर दीजिए, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा और भी लगभग 20 से ज्यादा स्ट्रेटजीज मेरे पास हैं जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। आपको वो स्ट्रेटजीज, रूल्स, टिप्स, ट्रिक्स जानने की जरूरत लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पंजाब पटवारी एग्जाम 21 में जाकर बाकी सीरीज के पार्ट भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पंजाब पटवारी एग्जाम 21 पार्ट 2 में।